हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके हम अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी देता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज़ का वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी में जो हम आपको जानकारी लेके आए हैं वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि फरीदकोट के अंदर है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पटियाला एंड अमृतसर से संबंधित है। देखिए आगे कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 29 फरवरी 2020 से लेकर के थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मैं बता भी देता हूँ आपको, www.bfuhs.ac.in फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड पटियाला एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसाइटी जो कि मेडिकल कॉलेज मोहाली के अंदर है। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इज वो है 19 मार्च 2020 एंड डिपोजिशन ऑफ फी थ्रू बैंक चालान इज 21 मार्च 2020 है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर एज अंडर, यहाँ पे आपको सर्वप्रथम सीरियल नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे पोस्ट नेम, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर एंड अलाइड हॉस्पिटल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और यहाँ पे मैट्रिक्स एज 7th CPC रहेगा। ये देखिए आप, मैं थोड़ा जूम करिए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन चार पोस्ट हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट ऑफ एनेस्थीसिया ट्रेनिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके लिए जो पे स्केल लेवल रहेगा वो 4 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये आर्टिस्ट कम मॉडलर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक एक वैकेंसी है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी इस कॉलम में। ठीक है फ्रेंड्स, जो जनरल के लिए जो रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं, ये कैशियर की पोस्ट है, क्लर्क, ये हम आपको बता देते हैं, ये टोटल 20 वैकेंसीज हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और इसके लिए कंप्यूटर कोर्स भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओ लेवल का है, वो भी कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शेल हैव टू क्वालिफाई टेस्ट इन पंजाबी टाइप राइटिंग टू बी कंडक्टेड बाई द बोर्ड एंड शुड पास पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पे लेवल 2 रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट ECG टेक्नीशियन, ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो ज़्यादा कॉमन है वो हम आपको बता, लैब अटेंडेंट के लिए बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में 12 हैं और इन दोनों में 20 हैं, सॉरी टोटल 32 हो गई। इसके लिए जो चाहिए वो 10+2 विद साइंस चाहिए और शुड पजेस ए डिप्लोमा इन डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पेल एवल मैट्रिक्स में 2 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2, 12 तो इसमें वैकेंसीज हैं, 15 इसमें हैं। इसके लिए सीनियर 10+2 ही चाहिए इसके लिए भी और कुछ अदर भी बीएससीज की डिग्री हैं वो भी आप देख लीजिए, पे लेवल 5 रहेगा। नेक्स्ट मेडिकल टेकर, मेडिकल सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 7 इसमें वैकेंसीज हैं, 8 इसमें है, विद सोशल कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देखते रहें, इसके लिए भी 10+2 चाहिए और शुड पजेस ए डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, पे लेवल 3 रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट प्लास्टर कटर, प्लम्बर, स्पीच थेरेपिस्ट, स्टाफ नर्स के लिए 111 वैकेंसीज इसमें है और 300 इसमें है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो
senior secondary part 2 examination or equivalent from a recognized university institute should have a possessed a diploma in general nursing and midwifery from a recognized institute or university and should be registered with the Punjab Nursing Registration Counseling established under the Punjab Nurses Registration Act 1932 pay level 7 rahega iske liye रेडियोग्राफर के लिए 12 वैकेंसीज हैं, लॉ ऑफिसर हैं, असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर टेक्निकल मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, ऑप्थोमेरिस्ट के लिए 2 हैं, आईसीसीयू टेक्नीशियन के लिए 4 हैं, और सीएसएसडी असिस्टेंट के लिए 10 हैं। इसके लिए जो पे लेवल रहेगा वो 5 रहेगा। इसके लिए बीएससी चाहिए विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सीएसएसडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे बताया गया कि इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन फॉर डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस मोहाली आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये पंजाबी लैंग्वेज में है, मुझे तो आती नहीं लेकिन आप देख सकते हैं इसमें। सो दिस वॉज द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब के से संबंधित थी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा के मुझे बताएं एंड यू कैन आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।